अब मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज ग्रसित व्यक्ति कम मात्रा में क्या ले सकते हैं, जैसे कि मैदे की चीजें कम मात्रा में ले सकते हैं एवं अंडे का सफेद भाग ले सकते हैं, मछली एवं चिकन उबला हुआ ले सकते हैं हफ्ते में 2 बार। तो यह चीजें जो है आपको कम मात्रा में लेकर शुगर को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अब मेन चीज आती है जो आपको खाना है, जो हमारे जीवन के लिए डेली जरूरी है और डायबिटीज ग्रसित व्यक्ति भी आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि सलाद है, हरी सब्जियां हैं, और इसके साथ साथ आप वह भी सब्जियां ले सकते हैं जैसे कि आलू है, वो कम मात्रा में महीने में 1 बार ले सकते हैं उबला हुआ, और मिक्स ग्रेन की चपाती, वो हमारे शुगर को नियंत्रण में अच्छे से रखती है। जैसे कि 5 किलो आटा ले लिया, आधा किलो सोयाबीन, आधा किलो चना दाल, इसको पिसा के आप डेली एक इसकी चपाती खा सकते हैं और इसमें शुगर नियंत्रण रहती है। तो यह चीजें हैं। अब हम आते हैं आपके जो मेन पसंदीदा चीजें हैं, फल। यह बहुत आपको असमंजस में डालता है कि क्या फल खाएं क्या ना खाएं। फल में ग्रुप ए और ग्रुप बी के फल होते हैं। ग्रुप बी के फल जो हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं उसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, चीकू, सीताफल, केला, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी शुगर बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। अब जो फल आपको खाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसका बहुत आसान तरीका है, आपको तराजू लेकर या बैठना नहीं है घर में, ये एक हथेली है, उसमें आपकी हथेली में जितना भी फ्रूट आ जाए वो आप खा सकते हैं। फ्रूट कब खाना है? भोजन से 2 घंटे बाद, भोजन के तुरंत बाद नहीं खाना है। जैसे कि 1/4 सेब हो गया, 4-5 पीस पपीते के हो गए, या तो फिर 5-6 कली संतरे की, तरबूज, खरबूज, ये सब आप खा सकते हैं। लेकिन कोई एक फल एक दिन में खाना है, सब एक साथ नहीं। जैसे सोमवार को अपन ने एक खाया, मंगल को दूसरा, तो ये आपका एक हथेली में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना फल खाना है और आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो जो भी फल खाने हैं वो आपको कम मात्रा में खाने हैं। तो डायबिटीज का एक स्लोगन है, जो भी खाएं लिमिट में खाएं। हमारे सेंटर में शुगर कंट्रोल के अलावा जो डायबिटीज से दुष्परिणाम होते हैं उसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे कि प्रतिवर्ष हमको किडनी की जांच, हृदय की जांच, पैरों की नसों की जांच करनी है, और प्रति 4 महीने में जो 3 महीने का शुगर होता है HbA1c और लिपिड प्रोफाइल, ये करवाना पड़ता है। तो इस पर ध्यान देकर हम डायबिटीज ग्रसित व्यक्ति के दुष्परिणामों से बचाया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति उससे ग्रसित हो रहा है तो उसको प्रारंभिक अवस्था में पकड़कर उसका संपूर्ण इलाज किया जा सकता है। तो आज हमारे सेंटर में ये सुविधाएं बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, जिसके लिए महानगरों में पहले पेशेंट्स को जाना पड़ता था। जैसे कि आंखों की जांच है, हृदय की जांच है, किडनी की जांच है, ये आसानी से अब जो पूरा कंप्लीट पैकेज है वो हमारे सेंटर में किया जाता है। नमस्कार।